नीतीश, चूंकि छापेमारी सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हो रही है, अशफाक करीम के घर पर हो रही है, आरजेडी के सांसद हैं, आरजेडी की एमएलसी सुनील सिंह के घर पर हो रही है, हमने मनोज झा को सुना, वो भी यही आरोप लगा रहे थे नीतीश की, ये एक तरह की बौखलाई हुई है बीजेपी, और बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या बीजेपी के किसी नेता का अब तक कोई रिएक्शन मिला इस कार्रवाई के ऊपर आपको? नहीं, अभी तो नहीं आया है, जाहिर है अब चूंकि थोड़ी देर पहले की कार्रवाई है इसलिए अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं आई है। लेकिन हाँ, आरजेडी और जेडीयू के नेता हैं वो अब धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। एक और यहाँ पर नेता नजर आ रहे हैं, ये बताइए कि क्या लग रहा है ये छापेमारी की जानकारी आप लोग को? टोटल सत्ता जाने का टीस है, दर्द है, गम है, जख्म की आवाज है। केंद्र सरकार डेमोक्रेसी को, भारतीय जनता पार्टी के लोग डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं और पूरे देश की मशीनरी को तीन एजेंसियों के हवाले उन्होंने कर दिया है। जो उनका भी आरोप, क्या आपको लग रहा है कि जमीन के बदले नौकरी का मामला हुआ सकता है? कोई गलत बात है, सब सारा फैब्रिकेटेड है, ये ऑलरेडी कही गई बात है। ट्रेजरर भी रहे हैं तो ये भी ट्रेजरर रहे हैं तो उससे क्या हुआ? पार्टी की सारी बात हम लोग आईटी रिटर्न भरते हैं, पार्टी का ऑनलाइन है आय व्यय सब, कौन पास, सभी पार्टी में ट्रेजरर हैं और सुनील कुमार जी पार्टी के ट्रेजर रहे, एक ईमानदार और सही व्यक्तित्व वाले कुमार के चेयरमैन भी हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है, कौन सी बातें हो? कुछ नहीं, सिवा राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव को बदनाम करने के अलावे, हमारे ये वरीय नेताओं को बदनाम करने के अलावे कुछ भी नहीं है। उनको तकलीफ है, दर्द है, टीस है, असर होगा आपको लगता है कुछ विधायक? नीतीश, मैं आपके पास आता हूँ। बड़ी खबर यह है कि आज 17 जगहों पर छापेमारी हो रही है झारखंड में, अवैध खनन से जुड़े मामले में 17 जगहों पर रेड ईडी की चल रही है। रांची में 11 जगहों पर ईडी रेड कर रही है और अवैध खनन से जुड़ा यह मामला, कुल 17 जगहों पर झारखंड में रेड चल रही है और सिर्फ रांची में 11 जगह हैं, 11 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उधर बिहार में पटना में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर, अशफाक करीम जो सांसद हैं आरजेडी के, उनके घर पर रेड चल रही है। तो झारखंड में कुल 17 जगहों पर आज ईडी की कार्रवाई भी हो रही है, मतलब आज ताबड़तोड़ कार्रवाई का दिन है। झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में यह कार्रवाई हो रही है, 17 जगहों पर ईडी रेड कर रही है, जबकि सिर्फ रांची में 11 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं पटना में, उनके अपार्टमेंट में आज सुबह 7 बजे सीबीआई की टीम पहुंची और वहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अशफाक करीम आरजेडी के सांसद हैं राज्यसभा से, उनके घर पर भी रेड हुई है। तो ये बड़ी खबर, आज बिहार विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत साबित करना है और उससे ठीक पहले बिहार में कम से कम 2 जगहों पर रेड चल रही है, सुनील सिंह और अशफाक करीम के घर पर। तो दूसरी खबर बड़ी झारखंड से है जहां पर 17 जगहों पर इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त झारखंड में चल रही है जहां पर 17 जगहों पर ईडी इस वक्त रेड कर रही है। रांची में 11 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई अवैध खनन से जुड़े हुए मामले के तहत की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।